साथियों नमस्कार। आजकल संपूर्ण भारतवर्ष में एक बीमारी चल रही है जिसमें गायों के शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं। वो फफोले धीरे धीरे करके और घाव का रूप ले लेते हैं और जिस गाय की इम्यूनिटी कमज़ोर है उस गाय की मौत का भी एक कारण बनते हैं। बहुत ही विकट परिस्थिति संपूर्ण भारत में हो रखी है। ये बीमारी गायों में ज़्यादा होती है, भैंसों में बहुत ही कम मिलती है, दूसरे जानवरों में ये बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन गायों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका कोई देसी इलाज बताया जाए। देखिए, ये एक वायरल बीमारी है और इस बीमारी के बारे में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे कंप्लीट, कि इसको कैसे पहचाने, कैसे इसका इलाज करें और किस तरीके से इसके लक्षण आते हैं, सारी बातें अलग अलग वीडियोस में मैंने बताई थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य है कि इसका देसी इलाज आप तक पहुँचाया जाए। देखिए, जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलें और इलाज करवाएं, वो सबसे बेटर रहता है। लेकिन कई भाई क्या करते हैं, इलाज करवा लेते हैं उसके बावजूद आराम नहीं मिलता, तो आप देसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं है, उस स्थिति में भी आप जो मैं बता रहा हूँ वो देसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना हमें चिकित्सक की सलाह से ही है। तो देखिए हमें क्या करना रहेगा। बहुत ही शानदार ये नुस्खा है, हम इस्तेमाल करवा रहे हैं और कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। मेरे हाथ में आप एक बेल देख रहे हैं, एक ऐसी बेल जिसको हम बोलते हैं गिलोय। क्या बोलते हैं इसको? गिलोय। और यही गिलोय जब नीम के ऊपर लग जाती है, हमारे घर के बाहर नीम लगा हुआ है और उसके ऊपर गिलोय लगी हुई है जहाँ से हमारे भाई अभी लेके आए हैं, इस गिलोय की क्या करेंगे, इसकी कुतरन करेंगे कंप्लीट, पत्तों सहित डंटल सहित इसकी कुतरन कर लेंगे। और कुतरन करेंगे कितने की? 20 ग्राम की। यानी नीम गिलोय से मैं इसको संबोधित करूँगा। ये क्या है? नीम गिलोय। नीम गिलोय इसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा औषधीय पौधा है। इंसानों में भी जब कोरोना आया था तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी और तभी से हमने यहाँ पर लगा रखा है और बहुत अच्छा उपयोग इसका हो रहा है। तो आप भी अपने घर पे, अपने फार्म पर ये जो गिलोय की बेल है वो ज़रूर आप लगाइए। और अगर नीम लगा सकें तो नीम और गिलोय बहुत ही शानदार। जल्दी ही अपना एक ब्लॉग चैनल आने वाला है, ब्लॉग वीडियोज़ आने वाले हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे, हमने लगा रखा है, क्या कर रखा है, संपूर्ण बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, नीम गिलोय 20 ग्राम के आसपास आप लेकर के और इसके डंठल जो है वो कम्प्लीटली आप 20 ग्राम ले लीजिए। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 20 ग्राम हमें रोज़ लेने हैं बस। 20 ग्राम कुतरन कर लीजिए। इसके अलावा हमें दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है फ्रेंड काली मिर्च। काली मिर्च के बगैर ये मामला अधूरा है। काली मिर्च हमें लेनी है मात्र 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम काली मिर्च हमें लेनी है। 20 ग्राम गिलोय लेना है और 20 ग्राम ही हमें लेनी है हल्दी, यानी हल्दी पाउडर जो हमें मिल रहा है। काली मिर्च आप जानते ही हैं, उनको आप पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए। हल्दी के गंठिया होते हैं, इनको आप पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए। इन तीनों को आप पानी में मिला करके और उबालिए, बॉयल कीजिए इन्हें। और बॉयल करने के बाद जब ठंडा हो जाता है पूरा मिक्सअप, उसे ठंडा करने के बाद, अब कई पूछेंगे पानी कितना लें, तो पानी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। वैसे 1 लीटर पानी में अगर इनको डाल करके और उबाला जाए, जब पानी आधा लीटर बच जाए तब आप इसे नीचे उतार दीजिए। और हो सके तो जो कुतरन वगैरह है इन सब के साथ ही पशु को खिला दें और पिला दें, बहुत ही शानदार रहेगा। और अगर ये नहीं हो सका तो उस पानी को अच्छी तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी है वो पानी हमें पिलाना है और जो ऊपर के जो सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं उनको आप अलग से भी पशु को खिला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। लेकिन पानी क्या है, गाय को पिलाने में बड़ा आसान रहता है, आप इजीली इसे पिला सकते हैं ठंडा करके। तो एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गई कि इसे आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसी के साथ अगर थोड़ा सा एलोपैथी का सहारा लिया जाए और कोई दर्द की गोली मिला दी जाए, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बुखार भी रहता है, हालांकि ये जो गिलोय है वो दर्द और बुखार में बहुत अच्छी काम करेगी, लेकिन फिर भी अगर आप 1 या 2 दर्द की गोली आप मिला देते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे बोलस मार्केट में मिलती है मेलोनेक्स प्लस के नाम से, जो कि आपके छोटे से छोटे मेडिकल पर भी मिल जाएगी। ये थोड़ा सा मैं देसी के साथ साथ
एक तड़का सा ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये आप कर सकते हैं। मेलोनेक्स प्लस जो मिलती है वो आप टू बोलस ओडी कर दीजिए, मतलब दिन में एक बार दो गोली आप दे दीजिए, तो उससे पशु क्या है कि ज़्यादा डाउन नहीं होगा। नंबर वन काम जो है वो यही रहेगा। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है, बहुत अच्छा नुस्खा है, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा जो इस रोग से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के दूसरे नुस्खे हैं जो हमने अलग अलग वीडियोस में बता रखे हैं, उनमें से भी आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली जो अभी यूज़ किया जा रहा है, अभी जो लंपी चल रही है उस समय, वो नींबू का रस और संतरे का रस यूज़ किया जा रहा है, इनका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो नींबू या संतरे का रस भी आप दे सकते हैं, एक टाइम आप ये दे दीजिए, एक टाइम 100 या 200 ग्राम नींबू या संतरे का आप जूस निकाल लीजिए और वो जूस पिलाइए, बहुत ही शानदार फॉर्मूला बन जाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ये दर्द सूजन बुखार को भी दूर करेंगे, घाव को भी ठीक करेंगे, और अंदर से उसकी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी, घाव ठीक होंगे, तो दोनों काम जब होंगे तो लंपी स्किन डिजीज से जल्द आराम मिलेगा। अब ये तो बातें हो गई जो हम पेट में देते हैं, अब वो बात भी कर लेते हैं जो शरीर पर आपको एक्सटर्नल यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैंने शुरू में बताया और आपको दिखाया है कि इसमें छाले हो जाते हैं, बड़े बड़े फफोले से बन जाते हैं, तो उन फफोलों को ठीक करने के लिए, छालों को ठीक करने के लिए हमें उसके ऊपर भी, यानी कि चमड़ी के ऊपर भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, और ये लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सा स्टेप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या लगाएंगे। देखिए, आपको मार्केट में नीम का तेल मिल जाएगा, नीम का तेल इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिले तो नीम का पानी जो है ना उसे उबाल करके गर्डा कर लीजिए और उससे रगड़ रगड़ करके हमें इन छालों को छालों के ऊपर हमें लगाना है। और वही अगर नीम का तेल आपको मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं है, नीम का तेल आपको इजीली मिल जाएगा, तो नीम का तेल आप लेकर के आ जाए। जैसे आपने 100 ml नीम का तेल लिया और 100 ml नीम के तेल में आप नारियल का तेल मिलाइए 100 ml, यानी नारियल का तेल भी आपको 100 ml मिलाना है, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल जो है नीम तेल के साथ, कोकोनट ऑयल भी आप लीजिए 100 ml, दोनों को 100 ml आपने लिया, और साथ में 10 ग्राम आपने कपूर लिया। कपूर कौन सा? आरती कपूर, आरती कपूर बहुत ही अच्छा रहता है, वो आप आरती कपूर आप लीजिए और आरती कपूर 10 ग्राम लेकर के उसे अच्छी तरीके से पीस लीजिए। जैसे आपने आरती कपूर लिया 10 ग्राम और इसे अच्छी तरीके से पीस लिया, बढ़िया, क्योंकि ये पीसने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो आप अच्छी तरीके से पीस लें, इसका पाउडर बना लें, पाउडर बनाने के बाद इन तीनों को मिला लें और मिला करके जो पेस्ट बनता है वो पेस्ट उन छालों के ऊपर लगाइए, तो आसानी से आप लंपी स्किन डिजीज के जो छाले हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो पीछे जो मैंने आपको इलाज बताया उससे कम्प्लीटली उसे कवर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से करें, बेस्ट रहेगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।